बेच पहन के घूमेंगे तब ना लगेगा, हम लोग तो नया आदमी जो ही ना पहचाने सबसे। राम साहब अभी जो खैर नहीं गए राम साहब को पहचाने और सावन स्पोर्टिंग आला टाण के बीच पंडाल के दाहिने छोर पे सावन स्पोर्टिंग क्लब आलाटा और बाई छोर पे अक्षिता स्पोर्टिंग क्लब चयबासा। अकेले खाने गया होगा नेटवर्क ही नहीं रहा लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं आला टाण वर्सेस अक्षिता स्पोर्टिंग चयबासा की टीम, यकीनन यहां एक अच्छी जीत की तलाश होगी दोनों ही टीमों की ओर से। और ये मैच की वही सत्र जो है इस समय प्रगति पर, आला टाण की बात करें इस समय पीले नीले और सफेद पोशाक के साथ, और अक्षिता स्पोर्टिंग की बात करें तो काले और ग्रे कलर की बॉर्डर कॉम्बिनेशन के साथ में, यही दोनों टीमें एक ऊपर होता हुआ कहीं ना कहीं आला टाण के लिए दो डिफेंडर रोकने की कोशिश सफल होते हुए कहीं ना कहीं आला टाण जिस समय छह नंबर विकेट की खोजबीन जारी है, बट पीछे की तरफ पास यहां डाले हैं दस नंबर पांच लंबे बॉल बट टारगेट से काफी बाहर थी। और एथलेटिक्स एसोसिएशन का प्रणाली इस प्रकार से 25 टीम वहां डिमांड की गई है और कमाल से भी धमाल मेन ऑफ द मैच 3,000 रुपए मिलेंगे उस शख्स को, मेन ऑफ द सीरीज 4,000 रुपए व्यक्तिगत तौर पर उस खिलाड़ी को दिए जाएंगे, बेस्ट गोलकीपर 2,000 की नगद इनाम राशि और बेस्ट डिफेंडर को 1,000 की नगद इनाम राशि के साथ सौगात कर रही है। वहां 60,000 जर्सी सेट और एक ट्रॉफी पहली यानी विजेता टीम को संधो इस समय न पता किक जरूर किए थे बट काफी व्हाइट बॉल तो दिल खोल के आई है आपको टीम मिल जाएगा मेरे पास उड़ाने के लिए, बाद में पछताइएगा क्योंकि इतनी बड़ी इनामी राशि वो भी 3,500 रुपए की परचेस मनी पर। फिलहाल छिटकने हुई गेंद डिफेंडर के पास और डिफेंडर ने 2 नंबर के लिए रेफर करना चाहा लेकिन गेंद आला टाण छीनने में सफल और आगे बढ़ते हुए हाफ लाइन को क्रॉस किए मिडफील्डर
जर्सी नंबर 8 हल्का सा ओपनिंग पास हेडर क्रॉस करना चाहते थे लेकिन दीपेंद्र की मुस्तैदी वहां गेंद को निकालने में सफल। फिलहाल छीना चपाता जारी है, अभी भी गेंद प्ले ग्राउंड के अंदर पीछे की तरफ लेकर आए और अटांग देखना पड़ेगा। लेकिन आसानी के साथ गेंद को डेंजर एरिया से बाहर निकलते हुए मिस्टर आनंद मोटागा और सिक्स इस समय सेंट्रल लेफ्ट बैक कॉर्नर की गाड़ी के द्वारा छोड़ बदला है। जैसे नंबर 3 मछली कंट्रोल दर्शाते हुए क्लियर करना चाहते थे और आखिरकार हवा में गेंद। जैसे नंबर 7 को जैसे नंबर 8 और जैसे नंबर 11 को देना चाहते थे बट माइनस पास आई हुआ ठिकाने पर गेंद को रिलीज करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वयं पर गेंद को रिलीज करने में नाकाम अब तक रहे हैं दोनों ही टीम के पास। देखना यह शेष होगा किस कदर गेंद को स्वयं पर ब्लॉक होल पर डालने के प्रयत्न करते हैं। फिलहाल अच्छी पास नीचे की तरफ दौड़ के गेंद को कवर करना पड़ रहा है और यहां से दिक्कत भरी गेंद है। खिलाड़ी तैनात कंट्रोल किया होकर बनेगा और ये गलत शॉट होने के पश्चात दूसरे खिलाड़ी के लिए पास रिलीज जरूर किए थे बट क्लियर आती हुई वहां से सनत किशोर के द्वारा फिर से सिटी फिर से सेट मिस। हालांकि इस बार सेट मिस करने का अवसर टीम अगला तार को मिलता हुआ छोटी सी पास के साथ मैच को स्टार्ट किए। इतना पड़ेगा यहां पर क्या कुछ करते हैं बाकी बचे समय को उपरांत क्योंकि इस समय आप मध्यंतर के बाद वाले हिस्से का मुकाबला और मैच अपने सुंदर नैनों से निहार जरूर रहे हैं और यकीनन यहां बगैर किसी स्कोर के ये मैच आप देख रहे हैं कैसे हुए किसी भी टीम को यहां आजादी और खुलकर किक करने का कोई वैसा मौका देने की बॉल संधो निकल पड़े हैं क्या कुछ करेंगे अच्छी क्रॉस लेकिन रिफ्लेक्शन आती हुई फिर से किक आई बट यह सेकंड किक डायरेक्ट सीमा रेखा से बाहर। शर्मा जी फुटबॉल से जुड़ी कुछ उपयुक्त बातों को फिर से और साझा करने की प्राप्त अवसर मुझे प्रदान करने हैं तो दोनों ही दलों के बीच किस्म मुकाबला और ये जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की तमाम उम्मीदों के साथ फिलहाल तो दोनों ही टीमें आमने और सामने एक दूसरे के खिलाफ ये अपराध अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की तमाम उम्मीदों के साथ फिलहाल छोड़ करके अच्छी पास एक्चुअली डिलीवर करना चाहते थे लेकिन वह विक्रम भास्ता जी की सीटी आई और एक ठीक दाएं छोर से एक जोर से किक लगाने की कोशिश करी जरूर गई थी लेकिन फिर गेंद दगा दे गए।